कि अगर आपकी कोई भी लाइट है वो मान लो हिट करती है एक डेंसर मीडियम को, रेयरर से डेंसर, और टकरा के चली जाती है, जैसे ग्लास स्लैब है, तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, इसके अंदर भी घुसेगा और बाहर भी आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है लाइट डेंसर से चले डेंसर में आ जाए, और कुछ पार्ट रेयरर में जाए और कुछ डेंसर में आ जाए। तो यहाँ पर बात हो रही है रिफ्लेक्टेड लाइट की, जो रिफ्लेक्ट होके आती है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसमें फेज चेंज होता है। फेज चेंज समझते हो? फेज चेंज का मतलब है कि क्रेस्ट ट्रफ में बनना और ट्रफ क्रेस्ट में बनना, इसको बोलते हैं फेज चेंज। तो इसके अंदर 180 का फेज चेंज है, आप चेक कर लो, और इसमें फेज चेंज नहीं है। एक स्टेटमेंट याद रखना, जब लाइट रेयरर से रेयरर में जाती है रिफ्लेक्शन के बाद ऑन डेंसर मीडियम, तो क्रेस्ट जाएगा ट्रफ आएगा, ट्रफ जाएगा क्रेस्ट आएगा, तो फेज चेंज 180 हो जाएगा। लेकिन जब डेंसर से डेंसर जाएगा तो कोई फेज चेंज नहीं होगा। ये स्टेटमेंट याद रखना। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव मार्क करने को आ सकता है कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर के इंटरफेस को हिट करती है उसमें फेज चेंज 180 होगा, और डेंसर से डेंसर में कुछ नहीं होगा, और रिफ्रैक्टेड लाइट में तो बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो किसी भी डेंसर से रेयरर में जाए या रेयरर से डेंसर में जाए, फेज चेंज होगा ही नहीं इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है यहां तक? ये स्टेटमेंट याद रखनी है।